सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो पिघलती है और वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी, घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। आज का पंचांग 25 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 7:48 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 10:54 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:22 से, आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:22 से 4:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:17 से 1 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कन्या राशि, आप अभी अपने स्वास्थ्य, घर की मरम्मत या कर्ज को लेकर चिंतित हो सकते हैं। घर पर रहने और वित्त को सुलझाने के लिए समय निकालें। रिश्तेदार शायद आपके माता पिता या अंकल आपके काम में आपकी मदद करेंगे। आज कार यात्रा करते समय सावधान रहें। आपको धन संबंधित फायदे मिलेंगे। धन ही नहीं बल्कि अपने काम में प्राप्त की गई प्रतिष्ठा भी आपको आज आकर्षित करेगी। तारीफ एक ऐसा प्रेरक है जो दुश्मनों को मित्रों में बदल सकता है। हर नया दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है कि फिर से हिम्मत और मेहनत से अपने काम को करने में लग जाओ। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपका कोई प्रॉपर्टी अथवा रुका हुआ कार्य हल हो सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामलों में प्रस्ताव निर्णायक रहेगा, जिससे आत्मविश्वास में इजाफा होगा। किसी व्यक्ति से मिल रही नकारात्मक टिप्पणी आपको परेशान कर सकती है। अन्य लोगों की बातों से अधिक अपनी भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। लोगों द्वारा बोली गई बातों या उनके व्यक्तित्व को बदल पाना संभव नहीं है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर काम करते रहने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए भविष्य में बढ़ोतरी प्राप्त हो सकती है। पार्टनर के साथ के संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आएगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सावधानियां, ध्यान रखें कि आपके बनते कार्यों में अक्सर कांटे आने का कारण आपका आलस और लापरवाही होती है। अपनी इन आदतों पर काबू पाना जरूरी है। अपने व्यक्तिगत कामों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल ना करें। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर पुनर्विचार करना भी जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। साथी को प्यार दे, ध्यान रखे और उनके दिल को ना तोड़े, क्योंकि दिल शीशे के समान है जो एक ठेस लगने से टूट सकता है। अपने मन से असुरक्षा की भावना को निकाल दें। पिता को समस्याएं हो सकती है, उनका ध्यान रखें। आज अपने दिल के सबसे पास रहने वाले खास व्यक्ति के लिए समय निकालेंगे। इससे न केवल रिश्ता मजबूत होगा बल्कि नजदीकियां भी बढ़ेगी। प्रशंसा एक ऐसा तरीका है जो दुश्मनों को भी खास दोस्त बना देता है।
याद रखें कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, इसीलिए इन मीठे क्षणों में अपने आप को संभाल लें। बात करते हैं करियर की। अगर आप पानी, मिट्टी या कृषि से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि काम लंबे समय से अटके कार्यों को आज पूरा करने में सफल होंगे। आपकी कंपनी को आपके नए विचारों से लाभ होगा। जुए सट्टेबाजी जैसी बुराइयों से दूर रहें। आर्थिक लाभ आज आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आपकी क्षमताएं व गुण पूरे आकर्षण में हैं और लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे होंगे। मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तारीफ करें और अपने कौशल का पूरा उपयोग करें। याद रखें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए आगे बढ़कर दुनिया जीत ली। बात करते हैं सेहत की। संतुलित खानपान की वजह से पेट कुछ खराब हो सकता है। असंतुलित खानपान की वजह से पेट कुछ खराब रह सकता है। भोजन में सिर्फ मौसमी चीज़ों को ही शामिल करिए। कईयों के पैर पर सूजन हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।